नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मोथा घास के बारे में। इसका पेटेंट इलाज क्या है, क्योंकि ज़्यादातर खेतों में जब हम गन्ना बुआई करते हैं तो उससे पहले ही, गन्ना जमाव से पहले ही हमारे खेतों में बहुत भयंकर तरीके से मोथा घास आ जाती है। और मोथे के लिए सबसे कारगर जो दवा मानी गई है वो है सेम्प्रा। थोड़ी सी महंगी पड़ती है और इसका अगर मैं उपयोग की भी बात करूं तो बहुत ही लंबा इंतज़ार हमें करना पड़ता है इसका प्रयोग करने के बाद। तो किसान भाइयों, इसका अल्टरनेट क्या है? अगर हम सेम्परा का इस्तेमाल ना करना चाहें तो किस दवाई का इस्तेमाल करके हम मोथा को, प्लस उसके साथ जो भी खरपतवार हमारे खेत पे उग रहा है थोड़ा बहुत, उसको भी समाप्त कर पाएँ, गन्ने पे भी कोई असर ना आए और बहुत ही सस्ते में हमारा ये काम हो जाए। पहले दवाई के बारे में बात करेंगे, फिर इसके प्रयोग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे दवा को तो किसान भाइयों, आपको लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि भाई जैसे हम सैंपरा में 2 पानी तक इंतज़ार करते हैं, एक ही पानी में जड़ से मोथा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और बहुत ही सस्ते में। किसान भाइयों, पहली दवा है पाइराजू सल्फोरॉन इथाइल 10 यानी 10 WP। इसको आप बाज़ार में मांगेंगे, ये साल्ट का नाम है, आपको बहुत सारी कंपनियों का मिल जाएगा। ज़्यादातर 80 ग्राम का पैकेट आता है, 2 पैकेट 5 बीघे खेत के लिए आपको लेने हैं। पाइराजू सल्फ्रॉन इथाइल, ये साल्ट का नाम है। अगर मैं ब्रांड की बात करूँ तो ज़्यादातर बाज़ार में सेफेक्स रोका के नाम से ये आपको मिलेगा, बहुत सारी कंपनियाँ बनाती हैं। पाइराजू सल्फ्रॉन इथाइल 80 ग्राम के 2 पैकेट। अब इसके साथ जो दूसरी दवा मिलानी है उसका नाम है क्लोरीमुरोन इथाइल 25 WP। ये भी मैं आपको साल्ट का नाम बता रहा हूँ, क्लोरीमुरोन इथाइल 25 WP। किसान भाइयों, सेफेक्स कंपनी का ये खल्लास के नाम से आता है, 15 ग्राम की डब्बी आती है, और अतुल कंपनी का साइनो के नाम से आता है। तो बाज़ार में अगर आप क्लोरीमुरोन इथाइल मांगेंगे और भी कंपनियों का आपको मिल जाएगा। दो नाम मैंने आपको बता दिए, सेफेक्स का खलास, अतुल कंपनी का साइनो। 15 ग्राम की ये डब्बी लेनी है और 80 80 ग्राम के 2 पैकेट लेने हैं आपको पाइराजू सल्फ्रॉन इथाइल के। इनको आपको आपस में मिला लेना है, 10 डब्बे पानी में घोल बना लो और 10 टंकी पानी 5 बीघे खेत में आपको लेना है। अब इसका इस्तेमाल पे आ जाते हैं कि कैसे इस्तेमाल करें जिससे हमें ज़्यादा लाभ मिले, सभी प्रकार के खरपतवार समाप्त हो जाए। किसान भाइयों, जैसे ही पहला पानी आप अपने गन्ने को देने वाले हैं, ज़्यादातर खेतों में यही समस्या आती है कि भाई गन्ना के साथ साथ हमारे खेत में खरपतवार भी उग गए और ज़्यादातर खेतों में बहुत ही ज़्यादा मोथा घास आता है। तो जैसे ही आप पानी देने वाले हैं उससे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आप इन दोनों साल्ट को मिला के जो मात्रा बताई है उसका छिड़काव कर दो। और किसान भाइयों, छिड़काव करने के 2 दिन बाद आप पानी दे दो, आपके खेत में देखना किसान भाइयों, 6 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल मोथा नहीं बचेगा। छोटा मोटा जो भी खरपतवार होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ ये किस प्रकार से काम करती है दवा। किसान भाइयों, पाइराजू सल्फ्रॉन इथाइल जितने भी छोटे मोटे खरपतवार होते हैं उन पे बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट ही हमें देता है, सभी प्रकार के खरपतवार को समाप्त करने की इसके अंदर शक्ति है। लेकिन इसके साथ जब हम क्लोरीमुरोन इथाइल को मिला लेते हैं, जितने भी जटिल घास भी हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे और पूर्ण रूप से आपके खेत से जितना भी मोथा है बहुत ही सस्ते में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 100 150 रुपये बीघा का ही खर्च आपको मिलेगा, जबकि सेम्परा में आपका बहुत ज़्यादा पैसा इसके सामने लग जाएगा। अब सेम्परा पे भी आ जाते हैं, इसका भी प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ जो प्रैक्टिकल के बाद हमने देखा है कि भाई इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए। जैसे मैंने ये 2 दवाएं बताई हैं, इसी प्रकार से आप सेम्परा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मैं तो सेम्परा ही डालूं स्पेशल मोथे के लिए, तो आप पानी देने से 1 दिन पहले सेम्परा कर दो और किसान भाइयों उसमें पानी दे दो, उससे भी बहुत तेज़ी से जो हमारा ये मोथा घास है बहुत तेज़ी से जलता है। जबकि कंपनी कहती है कि पहले पानी दो, फिर 6 दिन इंतज़ार करो, फिर स्प्रे लगाओ, फिर अगले पानी को ऐसे ही देना है, कुछ भी उसमें नहीं करना, तो 2 पानी का लंबा इंतज़ार हमें करना पड़ता है। जबकि अगर आप इस तरीके से पानी देने से पहले ही आप स्प्रे लगा दें और तुरंत उसमें पानी दे दें या 1 2 दिन बाद दे देंगे तो किसान भाइयों सैंपरा से भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन सस्ते में सभी खरपतवार समाप्त करने हैं तो पाइराजू सल्फ्रॉन इथाइल और क्लोरीमुरोन इथाइल दोनों का कॉम्बिनेशन आपको करना है।
80-80 ग्राम के 2 पैकेट पाइरोजोसल्फोनिथाइल के और 15 ग्राम की डब्बी क्लोरीमुरोनिथाइल की आपको लेनी है। दोनों को मिलाओ, 10 डब्बे पानी में घोल बनाओ और पहला पानी देने से 2 दिन पहले स्प्रे कर दो। पूर्ण रूप से मोथा घास खत्म हो जाएगा और भी जो अन्य घास है वो भी समाप्त हो जाएंगे, गन्ने पे कोई भी असर नहीं आएगा। किसान भाइयों धन्यवाद।